अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ENG 522 अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू द कोर्स, यानी कोर्स का एक शॉर्ट इंट्रो कि इस कोर्स में हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। इफ़ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ एज अ लिंग्विस्ट टू अदर पीपल आउटसाइड द डिसिप्लिन, चांसेज आर दैट दे विल आस्क यू। यानी अगर आप किसी बाहर के बंदे से ये कहते हैं कि आप एक लिंग्विस्ट हैं, तो चांसेस है कि वो आपसे ये क्वेश्चन पूछे, हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, कि आप कितनी ज़ुबानें बोलते हैं या आपको कितनी ज़ुबानें बोलना आती हैं। बट इफ़ यू डिस्क्राइब योर सेल्फ एज एन अप्लाइड लिंग्विस्ट, लेकिन अगर आप उससे ये कहते हैं कि मैं एक अप्लाइड लिंग्विस्ट हूँ, तो दे मे वेल गो साइलेंट कम्प्लीटली, तो शायद वो मुकम्मल तौर पर खामोश हो जाएगा, वंडरिंग वट दे शुड से टू यू नेक्स्ट, और वो ये सोचना शुरू हो जाएगा कि आगे उसे क्या कहना है। इफ़ यू आर लकी, अगर आप लकी हैं या खुशनसीब हैं, यू माइट गेट आस्क्ड, तो आप ये पूछ सकते हैं, इज़ दैट हाउ टू टीच लैंग्वेजेस, की ज़ुबानें किस तरह से टीच की जाती हैं, और इज़ दैट ट्रांसलेशन, या ट्रांसलेशन किस तरह से की जाती है। तो दीज क्वेश्चंस आर नॉट इंटायरली अनरीजनेबल, ये अनरीजनेबल नहीं है। एज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कैन मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट पीपल मुख्तलिफ तरह से लोग लेते हैं, इवन अमंग दोज हु वुड डिस्क्राइब themselves एज अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, यहाँ तक कि जो बंदा खुद अप्लाइड लिंग्विस्ट है वो भी इसको डिफरेंट तरीके से लेगा। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स proclaims, अब जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, वो ये दावा करती है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ रिसर्च एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और रिसर्च की एक फील्ड है डीलिंग विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ज़ुबान और बातचीत से मुतल्लिक जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं ये उनसे डील करती है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड। अब वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगी, एनालाइज करेगी और सॉल्वड बाय अप्लाइंग अवेलेबल थेरीज मैथड्स। अब जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की गई हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए थेरीज को इस्तेमाल करेगी या मैथड्स को इस्तेमाल करेगी, और रिजल्ट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स और बाई डिवेलपिंग न्यू थेरेटिकल एंड मैथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स इन लिंग्विस्टिक्स टू वर्क ऑन दीज प्रॉब्लम्स, और डिफरेंट इस तरह से डिफरेंट थेरीज और मैथडोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए लिंग्विस्टिक्स उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उन पर काम करते हैं। अच्छा जी, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स डेफिनेशन इज़ बहुत ब्रॉड इन इंक्लूडिंग, अब ये बहुत ब्रॉड है, कैसे ब्रॉड है, पोटेंशियली मैनी डिफरेंट एरियाज सच एज चाइल्ड लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, मल्टीलिंगुअलिज्म, लैंग्वेज टेस्टिंग, कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस एंड सो ऑन। अब उसने पहले ऊपर बताया हमें कि एक ब्रॉड चीज़ है, इसमें पोटेंशियली सब कुछ ही तकरीबन शामिल हो गया है, जैसे बच्चे में लैंग्वेज किस तरह से, वो बच्चा एक्वायर लैंग्वेज किस तरह से करेगा, कम्युनिकेशन की डिसऑर्डर्स क्या होती हैं, और ये सारी चीज़ें उसने ऊपर डिस्कस की हैं, एंड सो ऑन, एंड नैरो इन रिलेटिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स टू लिंग्विस्टिक्स प्रॉपर। तो ये था हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रो, इसे आपने याद नहीं करना, जस्ट इसे आपने रीड करना है और हल्का से कॉन्सेप्ट लेना है। आगे हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर ही हमारे पास आ रहा है जी, व्हाट इज़ लैंग्वेज एंड व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, ज़ुबान क्या है और लिंग्विस्टिक्स क्या है। अब लैंग्वेज क्या है ये तो आप जानते हैं, लिंग्विस्टिक्स क्या है ये आपको अभी जानना है कि जो बंदा ज़ुबान पर काम करेगा, जो लैंग्वेज पर वर्क करते हैं, जो रिसर्चर होते हैं, उन्हें हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। तो आइए पढ़ लेते हैं लिंग्विस्टिक्स क्या है। ऑल लिंग्विस्टिक्स वर्क, तमाम लिंग्विस्टिक्स काम करते हैं, वट एवर स्पेसिफिक परस्पेक्टिव वन में अडॉप्ट, अब वो एक खास परस्पेक्टिव अडॉप्ट करेंगे, शुड अल्टीमेटली हैव समथिंग टू से अबाउट द क्वेश्चन, और उनके पास कुछ होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में कहने के लिए कि वट इज़ दिस थिंग कॉल्ड लैंग्वेज, कि किस चीज़ को ज़ुबान कहते हैं। अब लिंग्विस्टिक्स है, जो बंदा लैंग्वेज पर काम कर रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ को ज़ुबान कहते हैं। तो रॉन मैकले प्रेजेंट 7 वेज ऑफ लुकिंग एट लैंग्वेज, इसने 7 वेज हमें दी कि लैंग्वेज को किस तरह से देखा जाता है। अब वो कौन सी वेज है, लैंग्वेज एज मीनिंग, कि हम लैंग्वेज को एक मीनिंग के तौर पर लेते हैं, लैंग्वेज एज साउंड की आवाज़ की सूरत में हो सकती है, लैंग्वेज एज फॉर्म, फॉर्म की सूरत में हो सकती है, लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, आप जब बातचीत करते हैं तो उसे हम ज़ुबान ही कहते हैं ना, लैंग्वेज ही कहते हैं, लैंग्वेज एज आइडेंटिटी हो सकती है, लैंग्वेज एज हिस्ट्री, लैंग्वेज एज सैम्पल। तो ये वो 7 वेज थी जो उसने हमें दी कि हम लैंग्वेज को किस तरह से देख सकते हैं। अच्छा जी, आगे जी, दिस कैन बी समराइज्ड इन 3 रादर डिफरेंट कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज, अब जो हमने ऊपर पढ़ा उनको समराइज किया गया 3 लाइनों में, वो क्या है जी, एज अ पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकली रूटेड लैंग्वेज फैकल्टी, बायोलॉजिकली क्या होता है, जो फिजिकली हम करते हैं, तो ये एक रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम है जिसे फिजिकली हम बोल कर या फिर अपनी बॉडी से शो करते हैं। तो एज कॉम्प्लेक्स एंड हिस्ट्रिकली इवॉल्व्ड पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स है और हिस्ट्रिकली इवॉल्व्ड है, एज अ सोशल प्रैक्टिस एंड अ कल्चरली लोडेड वैल्यू सिस्टम, लैंग्वेज एक सोशल प्रैक्टिस है, हर बंदा इसे इस्तेमाल करता है और हर कल्चर में ये इस्तेमाल होती है।
अच्छा जी, द डिफरेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशंस ऑफ लैंग्वेज लीड टू वेरी डिफरेंट मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अब डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हैं ज़ुबान के बारे में, वो डिफरेंट मेथड्स को लीड करते हैं, विच टूगेदर कंस्टिट्यूट द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स टूडे। अब वो जो मेथड्स हैं वो आगे मिलकर जो है वो लिंग्विस्टिक्स की फील्ड को बनाते हैं। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉमनली अकरिंग टर्म्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अब उसने कुछ ब्रांचेज लिंग्विस्टिक्स की दी हैं, वो क्या जी, थेरेटिकल लिंग्विस्टिक्स है हमारे पास, फॉर्मल लिंग्विस्टिक्स है, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स है, हिस्ट्रिकल लिंग्विस्टिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, साइको लिंग्विस्टिक्स है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स है, क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स है, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स है, फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स है, एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स एंड जियो लिंग्विस्टिक्स। अब आपने देखा कि लिंग्विस्टिक्स जो है वो एक ब्रॉड एरिया को जो है वो कवर कर रहा है, तकरीबन हर जो फील्ड है वो इसमें आ रही है। तो ये इसकी कुछ ब्रांचेज है जो उन्होंने हमें दी हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है टू दिस वी कैन ऐड सब ब्रांचेज। अब जो ऊपर हमने डिस्कस की वो ब्रांचेज थी, आगे उन ब्रांचेज की मजीद कुछ सब ब्रांचेज हैं जो कि वो नीचे डिस्कस कर रहा है। वो क्या है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, डायलेक्टोलॉजी है, डिस्कोर्स एनालिसिस है, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, स्टाइलिस्टिक्स है, जेनर एनालिसिस है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी। तो जो ऊपर डिस्कस की वो ब्रांचेस थी, और जो नीचे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी जो हमने रीड की, वो हमारे पास सब ब्रांचेस हैं। इनको आपने याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बस आपने ये समझना है कि लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस और सब ब्रांचेस हैं। अच्छा जी, आगे इंडीड द लिस्ट ऑफ सब ब्रांचेस कैन गो ऑन, यानी कि ये जो सब ब्रांचेस हमने पढ़ी ये आगे भी मजीद जा रही हैं, यानी ये रुक नहीं गई एक जगह पे, आगे भी काफ़ी इसके सब ब्रांचेस हैं, लेकिन उसने हमें इतनी डिस्कस करके बताई। अच्छा जी, आगे इट मे बी यूज़फुल टू लुक एट द डिफरेंसेस बट ऑल्सो सिमिलरिटीज। अब इन ब्रांचेस के दरमियान की सिमिलरिटीज़ को भी हमें जानना चाहिए और इनके डिफरेंसेस को भी, बिटवीन दीज डिफरेंट काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्ट हु डज द स्टडिंग ऑफ लैंग्वेज। उस लिंग्विस्ट के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है जो लैंग्वेज पर स्टडी कर रहा है कि इनडीड द लिस्ट ऑफ सब ब्रांचेस कैन गो ऑन। अब जो ऊपर हमने ब्रांचेस डिस्कस की और सब ब्रांचेस डिस्कस की, वो अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, वो आगे चलती जा रही हैं। तो इट मे बी यूज़फुल टू लुक एट द डिफरेंसेस बट ऑल्सो सिमिलरिटीज। अब ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी कि हम इनके डिफरेंसेस को भी देखें और इनकी सिमिलरिटीज़ को भी, कि क्या चीज़ें इनमें अलग हैं और क्या चीज़ें इनमें सेम हैं। बिटवीन दीज डिफरेंट काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्ट हु डज द स्टडिंग ऑफ लैंग्वेज। अब ये किसके लिए फ़ायदेमंद है, ये उस बंदे के लिए फ़ायदेमंद है, ये उस लिंग्विस्ट के लिए फ़ायदेमंद है जो लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है। एंड द एविडेंस ही और शी यूजेज़ फॉर द स्टडी, और स्टडी के लिए जो वो एविडेंस इस्तेमाल कर रहा है, पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन, उसे एक ख़ास तवज्जो देनी चाहिए टू हाउ द एविडेंस इज़ गैदर्ड, कि एविडेंस किस तरह से इकट्ठा किया जाता है एंड यूज इन द एनालिसिस, और एनालिसिस में उस एविडेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। द स्कैमेटाइजेशन ऑफ द वेरियस अप्रोचेज, अब डिफरेंट अप्रोचेज की जो स्कैमेटाइजेशन है, जो एक स्केच है, हेल्प्स टू द स्कैमेटाइजेशन ऑफ द वेरियस अप्रोचेज हेल्प्स टू हाईलाइट द कॉमनैलिटीज एज वेल एज डिफरेंसेज बिटवीन द वेरियस ब्रांचेज एंड सब ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। अब इन सारी अप्रोचेज जो हमने ऊपर पढ़ी वो इस चीज़ में हमारी हेल्प करेंगी कि हम इन ब्रांचेज और सब ब्रांचेज के दरमियान में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेज को देख सकें। आगे जी, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्ट में अप्लाई वन स्पेसिफिक अप्रोच फ्रॉम दीज टू द प्रॉब्लम्स दे विश टू सॉल्व। अब जो अप्लाइड लिंग्विस्ट है वो इन अप्रोचेज में से किसी एक अप्रोच को इस्तेमाल करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसे वो सॉल्व करना चाहता है, और टू बी एक्लेक्टिक एंड यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज। अब वो कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोचेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक ख़ास अप्रोच भी इस्तेमाल कर सकता है। मोर ओवर, अप्लाइड लिंग्विस्ट हैव अप्लाइड थेरीज एंड मॉडल्स फ्राम अदर डिसिप्लन्स बियॉन्ड लिंग्विस्टिक्स, यानी लिंग्विस्टिक्स के अलावा भी वो डिफरेंट डिसिप्लन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी के बाकी शोबों को भी वो जो है वो स्टडी कर सकते हैं अपने मॉडल में। इन डीड कॉन्टेम्पोरेरी अप्लाइड लिंग्विस्ट फील फ्री टू ड्रा ऑन आलमोस्ट एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब जो अप्लाइड लिंग्विस्ट है वो इस चीज़ के लिए आज़ादाना है कि वो इंसानी नॉलेज की किसी भी फील्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यूज़ आइडियाज़ फ्राम फिलोसफी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ टू नेम आ रैंडम फ्यू। अभी ये सिर्फ कुछ चंद नाम है जो उसने बताया हमें कि लिंग्विस्ट, जो अप्लाइड लिंग्विस्ट है वो इन चीज़ों को भी इस्तेमाल करके अपने मॉडल में, अपने थेरीज में इनका आइडिया ले सकता है। दे हैव फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सप्लोर्ड साइकोलॉजिकल मॉडल्स सच एज डिक्लेरेटिव प्रोसीजरल मेमोरी एंड एमर्जेंटिज्म, मैथमेटिकल मॉडल्स। अब ये जो पहले उसने बताया, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल मॉडल्स हैं जो इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं, कि इन्होंने एक्सप्लोर किए हैं, अप्लाइड लिंग्विस्ट ने एक्सप्लोर किए हैं। अब आगे मैथमेटिकल मॉडल्स वो बता रहे हैं कि डायनामिक सिस्टम थेरी और कैओस थेरी, अर्ली सोवियट थेरीज ऑफ चाइल्ड डिवेलपमेंट सच एज दोज ऑफ विगोस्टी, फ्रेंच थिंकर सच एज
फोकाल्ट एंड बॉडियो एंड सो ऑन, यानी ये कुछ उसने नाम बताए हैं साइंटिस्ट के, और कुछ थेरीज हमें मॉडल्स वगैरह बताए हैं जो उसने लिंग्विस्टिक्स के अलावा दूसरे फील्ड से लिए और एक्सप्लोर किए हैं। अच्छा जी, आगे वो कह रहा है कि बेन रैम्पटन 1997 में जो है वो डिस्क्राइब्ड अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एज एन ओपन फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को एक ओपन फील्ड कह रहा है, एक आज़ादाना फील्ड कह रहा है, यानी हम इसमें किसी भी फील्ड से आइडिया ले सकते हैं और ये लैंग्वेज के इंटरेस्ट की एक फील्ड है। वाइल डेविड ब्लॉक कॉल्ड इट एन अमैलगम ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट, जबकि डेविड ब्लॉक ने इसे एक अमैलगम करार दिया है जो कि रिसर्च इंटरेस्ट का है। तो ये उन दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आई होप आई मेड इट ऑल क्लियर। स्टिल एनी क्वेश्चन आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।